नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। और आप देश के किस राज्य या जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइए। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST कोटे में कोटे के आदेश के खिलाफ 21 अगस्त को दलितों का संपूर्ण भारत बंद। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश ने देश भर में हलचल मचा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण में कोटे में कोटा की व्यवस्था को लागू किया है, जिससे आरक्षण की दिशा और नीति पर बहस छिड़ गई। आरक्षण विरोधी खेमे का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देर से आया, लेकिन यह सही दिशा में उठाया गया कदम है। वहीं दलित समाज ने इस फैसले के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया दी है। देश के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की तैयारियां चल रही हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में हंगामा मचा दिया है, जिसमें 21 अगस्त को संपूर्ण भारत बंद का ऐलान किया गया है। अपनी हार से ज्यादा सना की जीत से खुशी है, रणवीर शौरी बोले वह इस ट्रॉफी के लायक नहीं है। हाँ जी, बता दें हार जीत तो खेल का हिस्सा है, क्योंकि अगर हम हारते हैं तो हम और सीखने की कोशिश करते हैं। हालांकि कुछ लोग अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पाते और जीतने वाले को कसूरवार बना देते हैं। एक्टर रणवीर शौरी भी कुछ ऐसा ही करते दिखाई दे रहे हैं। अपनी हार का इतना दुख नहीं है जितना उन्हें सना मकबूल की जीत का दुख है। वह सना को बिग बॉस OTT3 के विनर के रूप में देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। बिग बॉस OTT3 के घर में सना और रणवीर शौरी की लड़ाई चलती ही रही थी। कई बार दोनों एक दूसरे पर पर्सनल अटैक भी करते दिखाई दिए। हालांकि सना की बेबाकी ही शायद लोगों को पसंद आई, जिसके चलते उनके सिर पर जीत का ताज सज गया। कांवड़ में गंगाजल भरकर लौट रहे एक कांवड़िया की करंट लगने से मौत। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में उत्तर प्रदेश के सोरों से कांवड़ में गंगाजल भरकर लौट रहे एक कांवड़िये की बिजली के खंभे के संपर्क में आने से करंट लगने से मौत हो गई। बागचीनी पुलिस सूत्रों के अनुसार हरज्ञानपुरा निवासी पूरम कुशवाहा कांवड़ लेकर बीती रात आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ग्राम सिकरौदा के समीप साथी कांवड़िये के साथ कांवड़ की संध्या वंदन कर रहा था। इसी दौरान पूरम कुशवाहा सड़क किनारे लगे बिजली के पोल के संपर्क में आ गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे की जाँच शुरू कर दी है। अयोध्या रेप केस में अखिलेश यादव के बाद अब अवधेश प्रसाद ने भी उठाई DNA टेस्ट की मांग। बोले निर्दोष को ना फंसाया जाए। बता दें कि अयोध्या गैंगरेप कांड में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद अब फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ने भी DNA टेस्ट की पैरवी कर दी है। उन्होंने कहा कि किसी निर्दोष को ना फंसाया जाए, DNA टेस्ट करा लिया जाए। समाजवादी पार्टी पीड़िता और उसके परिवार के साथ खड़ी है। BJP की तरफ से उठाए गए तस्वीर के मुद्दे पर अवधेश प्रसाद ने कहा, रोज कम से कम 500 लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं, हम फोटो को कैसे नकार सकते हैं। अयोध्या रेप केस के मुख्य आरोपी मोहित खान पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, जहां तक इस घटना का सवाल है, यह घटना बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक है। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए, शब्द कम पड़ जाएंगे। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं, उनकी विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। गृह मंत्रालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पेरिस यात्रा को मंजूरी देने से किया इनकार। जी हां, बता दें सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की पेरिस यात्रा को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। वे भारतीय हॉकी टीम के समर्थन के लिए पेरिस जाना चाहते थे, जो 4 अगस्त को अपने पहले क्वार्टर फाइनल मैच में खेल रही है। मुख्यमंत्री मान के पास एक रेड डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, जो आमतौर पर वीजा प्रक्रिया को तेज करता है। उन्होंने पेरिस यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी मांगी थी। पंजाब के कई हॉकी खिलाड़ी वहां खेल रहे हैं, इसलिए मान उनसे व्यक्तिगत रूप से समर्थन चाहते थे, लेकिन केंद्र ने सुरक्षा चिंताओं के कारण उनकी यात्रा को मंजूरी नहीं दी, क्योंकि वे Z+ सुरक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया कि वह आत्मरक्षा में इजराइल पर जवाबी हमला करेगा। ईरान ने आज संयुक्त राष्ट्र को एक गंभीर पत्र भेजते हुए सूचित किया है कि वह आत्मरक्षा के अधिकार का उपयोग करते हुए इजराइल पर जवाबी हमला करेगा। इस कार्रवाई के लिए ईरान ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 का हवाला दिया, जो सदस्य देशों को आत्मरक्षा का अधिकार प्रदान करता है जब उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता पर आक्रमण होता है। ईरान का यह कदम उस समय सामने आया है जब इजराइल के साथ तनावपूर्ण स्थिति लगातार बढ़ रही है। BSNL ने जियो और एयरटेल को दी टक्कर, BSNL 5G पर हुई पहली कॉल। बता दें कि BSNL ने हाल ही में 5G नेटवर्क पर पहली बार कॉल का एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह कदम भारतीय टेलीकॉम बाजार में BSNL के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। हालांकि BSNL की 5G सेवाओं की लॉन्चिंग तारीख के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। आमतौर पर नेटवर्क की लॉन्चिंग से पहले यह व्यापक परीक्षण और ट्रायल किए जाते हैं, इसलिए BSNL की 5G सेवा अगले कुछ महीनों में शुरू हो सकती है।
सीएम योगी को हटाने की तैयारी में बीजेपी। सी वोटर के सर्वे में जनता के जवाब ने सभी को चौंकाया। बता दें, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बीच चल रही तथा कथित आंतरिक कलह के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक सर्वे सामने आया है। न्यूज चैनल आज तक के लिए सी वोटर ने 1500 लोगों के बीच यह सर्वे किया है, जिसमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर जनता से सवाल किए गए हैं। इस दौरान जनता ने सीएम योगी को लेकर चौंकाने वाला जवाब दिया है। इस सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी हटाने की तैयारी में है, तो इस पर 42% लोगों ने हां में जवाब दिया। इसके साथ ही 28.6% लोगों का मानना है कि चर्चा हो रही है, और वहीं 20.2% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। इसके साथ ही सर्वे में लोगों से पूछा गया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में सबसे ज्यादा नुकसान किससे हुआ है। इस सवाल को लेकर 22.2% लोगों ने संविधान बदलने के आरोप को जिम्मेदार बताया। वहीं 49.3% लोगों ने बेरोजगारी और महंगाई को भी इसके पीछे की वजह बताया। ओलंपिक में मेडल दिलाया अमन उभाकर और सरबजोत सिंह के कोच के घर पर चलेगा बुलडोजर। बता दें कि भारत के नेशनल पिस्टल कोच समरेश जंग पेरिस ओलंपिक से जैसे ही देश लौटे तो उन्हें एक बेहद चौंकाने वाली खबर मिली। ये खबर थी कि अधिकारियों ने राष्ट्रीय राजधानी में उनके घर को गिराने के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा कि उनके पास अपना घर खाली करने के लिए सिर्फ 48 घंटे हैं, क्योंकि अधिकारियों ने इसे अवैध निर्माण करार दिया है। बड़ी बात यह है कि समरेश पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह को शूटिंग गाइड कर रहे थे, जिन्होंने इन खेलों में भारत को 2 ब्रांज मेडल जिताए हैं। एक तरफ पास किया एग्जाम, उधर खाते में 1,00,000 रुपए। कांग्रेस की सरकार ने लागू किया धांसू स्कीम। बता दें कि यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को अक्सर आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में तेलंगाना सरकार ने एक अहम योजना शुरू की है। दरअसल तेलंगाना सरकार के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा एग्जाम पास करने वालों के लिए एक नई योजना का ऐलान किया। इस योजना का नाम राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना रखा गया है। योजना के तहत यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले राज्य के उम्मीदवारों को मेंस की तैयारी के लिए 1,00,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तेलंगाना सरकार की राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना का मकसद है कि आर्थिक दिक्कतों की वजह से यूपीएससी की तैयारी करने वाले किसी छात्र की तैयारी न रुके। योगी ने विधानसभा में पढ़े मंचलों के नाम, बोले इनके लिए बुलेट ट्रेन चलाएंगे। बता दें कि तहजीब के शहर लखनऊ के गोमती नगर में बाइक सवार युवक युवती से छेड़छाड़ की घटना पर योगी सरकार ने बेहद सख्त कदम उठाया है। वीडियो वायरल होने के एक दिन बाद गुरुवार को छोटे से लेकर बड़े अफसर पर गाज गिरी। पूरी चौकी को सस्पेंड किया गया। इसके अलावा डीसीपी एडीसीपी और एसीपी को हटा दिया गया। यही नहीं, शर्मसार करती इस घटना को लेकर विधानसभा में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रौद्र रूप देखने को मिला। उन्होंने न सिर्फ मंचलों का नाम सदन में लिया, बल्कि चेतावनी वाले लहजे में कहा कि उनके लिए बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। इस घटना में गिरफ्तार किए गए आरोपियों के जरिए योगी ने इशारों इशारों में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। योगी ने सदन में कहा, हमने जवाबदेही तय की है। पहला आरोपी पवन यादव, दूसरा अरबाज है। ये सद्भावना वाले लोग हैं, चिंता मत करो, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। इसराइल को गोला बारूद देने वाली भारतीय कंपनियों का रद्द करे लाइसेंस, इस पार्टी ने कर दी मोदी सरकार से बड़ी मांग। बता दें कि देश के 5 वामपंथी दलों ने लोगों से फलस्तीन के साथ एकजुटता प्रकट करने का आह्वान करते हुए बुधवार को मांग की है कि केंद्र सरकार इसराइल को हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति के लिए विभिन्न भारतीय कंपनियों को दिए गए सभी निर्यात लाइसेंस और अनुमतियां रद्द कर। वाम दलों ने कहा कि गाजा में इसराइल के नरसंहार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव आईसीजे के फैसले के उल्लंघन और फलस्तीन के लोगों के खिलाफ इस तरह के नरसंहार में बढ़ोतरी के मद्देनजर भारत के वामपंथी दल माकपा सीपीआई आरएसपी एआईएफबी और भाकपा वाले माले भारतीय लोगों से फलस्तीन के लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने का आह्वान किया। इस पार्टी ने अमेरिका के समर्थन से इसराइल की ओर से किए जा रहे नरसंहार और अत्याचारों के खिलाफ अपनी एकजुटता व्यक्त करने का आह्वान किया। इन दलों ने इसराइल पर सैन्य प्रतिबंध लगाने और उसके साथ हथियारों और सैन्य उपकरणों के होने वाले आयात निर्यात को रोकने सहित सभी तरह के सैन्य सहयोग को प्रतिबंधित करने की मांग की है। स्टार्टअप में यूपी ने गुजरात को छोड़ा पीछे, महाराष्ट्र अव्वल, कर्नाटक दूसरे स्थान पर पहुंचा। बता दें, देश में स्टार्टअप की तादाद 1,40,803 हो गई। इनमें से 25,000 से अधिक स्टार्टअप महाराष्ट्र में हैं। दूसरे नंबर पर 15,019 संख्या के साथ कर्नाटक, तीसरे पर दिल्ली, चौथे पर उत्तर प्रदेश और गुजरात 5वें नंबर पर है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के मुताबिक स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना के तहत 30 जून तक इनक्यूबेटरों ने स्टार्टअप के लिए 90.52 करोड़ रुपए मंजूर किए।
किए 2023 में इस मद में 186.19 करोड़ रुपए थे। बीते साल के 1025 के मुकाबले इस साल इनक्यूबेटरों ने 592 स्टार्टअप को चुना। वहीं फंड ऑफ फंड के तहत समर्थित वैकल्पिक निवेश फंड ने 30 जून तक स्टार्टअप में 805.86 करोड़ रुपए का निवेश किया।